हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल द यूनिवर्सल हीलिंग में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए गाइस, आज हम देखते हैं जो फुल मून है वो हमारे लिए कैसा रहने वाला है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी चीज़ें देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम गण गणपतिय नमः, ओम नमो नारायण, ओम साई नाथाय नमः। चलिए देखते हैं यूनिवर्स की साइड से फुल मून पे हमें क्या संदेश मिल रहा है, किस चीज़ के लिए हमको आगाह किया जा रहा है, किस चीज़ को करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। जनरल रीडिंग है, उसी हिसाब से आप देखिएगा। मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। जनरल रीडिंग है, जो आपसे रेजुनेट हो वो आप देखिए, जो नहीं हो उसको जाने दीजिए। ठीक है, आई होप आप लोग को कार्ड्स दिख रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं हम रीडिंग। सबसे पहले तो ये उन लोगों के लिए जिनको अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे थे, काफी टाइम से किसी बात को लेके कंफ्यूज थे, किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढ रहे थे जो उनको नहीं मिल रहा था, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, उसका आंसर आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। उस प्रश्न का मिलने वाला है आंसर जिसकी आपको बहुत ज़रूरत है। क्वेश्चंस आपको बहुत हो सकते हैं गाइस, लेकिन आपको जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सिर्फ उसी का आंसर यूनिवर्स अभी आपको दे रहा है। तो ध्यान से ये आंसर सुनिएगा, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं। ठीक है, सबसे बड़ी चीज जो समय है, आपको बहुत फास्ट और तेजी के साथ कुछ लोगों के लिए कहा जा रहा है वर्क करने के लिए, या आपके लिए एक है ना फायर लेके लाइफ में आ रहा है, जो आपका हो सकता है काम स्लो चल रहा हो या स्टडी स्लो चल रही हो या कुछ काम करने में मन नहीं लग रहा होगा या आप थके थके से रहते हो, तो ये जो टाइम आ गया है आपके लिए ये फायर का टाइम है। जो चाहे कर सकते हैं, जो एनर्जी आपकी डिस्टर्ब थी वो ठीक होने वाली है, और जो आप काम करना चाहते थे आपसे बहुत क्लियर कहा जा रहा है, ईमानदारी से करिएगा, वो बहुत क्लियर है, ईमानदारी से अपना काम करिएगा। और इस बात पे विश्वास रखिएगा कि इस संसार में नामुमकिन जैसी कोई चीज नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है इस संसार में। हाँ, आपकी मेहनत में कमी हो सकती है, वो काम रुक सकता है या पूरा नहीं हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो आप करना चाहे और ना कर। तो आपसे ये कहा जा रहा है आप अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने अंदर एनर्जी के साथ फायर के साथ जो भी काम करना चाहते हैं करिए, आपका काम जरूर होगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लापरवाही और आलस नहीं करना है। जो भी आप काम करें ईमानदारी से और मेहनत के साथ करें, और ईमानदारी यहाँ बार बार बोला जा रहा है क्योंकि आपको, मुझे ऐसा लगता है किसी चीज़ को लेके या तो आप लापरवाह हो रहे हैं या आपको पता है कि सामने वाले के लिए जो डिसीजन लिया जा रहा है वो सही नहीं है, फिर भी आप ले रहे हैं, तो आपको ऐसे नहीं करना है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी तकलीफें हो रही हैं, जो भी समझ में आपको चीज़ें नहीं आ रही हैं, आप यूनिवर्स के साथ के सामने सरेंडर करिए, उनको बताइए, अपने हथियार उनके सामने डालिए, मुझसे नहीं हो रहा है आप मेरी मदद करिए, उनसे हेल्प मांगिए, 100% आपका काम हो जाएगा। ये जो समय चल रहा है गाइस, आपके एक्शन लेने का समय है, ये ढीले ढाले या टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है आपके लिए। फर्स्ट कार्ड भी आया था, फायर लाई अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में फायर आने वाला है, उसको एक्सेप्ट करिए। तो ये जो टाइम है, जो भी अभी तक आप सोच रहे थे करने का या जो भी वो एक्शन में वो प्लान है जो, उसको एक्शन में लाने का समय आ गया है। ये टाइम उन लोगों के हीलिंग के लिए भी कहा जा रहा है, उन लोगों के लिए जो काफ़ी टाइम से बीमार चल रहे थे, कुछ चीज़ को लेके तकलीफ में थे,
तो आपकी बीमारी में हो सकता है मेडिसिन भी ले रहे थे तो फ़ायदा इतना नहीं हो रहा था, अब वो धीरे धीरे रिकवर होंगे, आपकी मेडिसिन भी आपकी बॉडी में वर्क करेगी और आपकी तबीयत में भी बहुत सुधार आएगा क्योंकि ये हीलिंग का समय आ चुका है। तो अपने हो सकता है फिजिकल मेंटली भी कई लोग बहुत परेशान हो, वो भी हीलिंग का समय आ गया है, जो आपकी लाइफ में डिस्टरबेंस था वो सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली है। यानी टोटल देखा जाए तो ये फुल मून आप लोगों के लिए बहुत अच्छा आ रहा है। बस आप लोगों को लापरवाही नहीं करनी है और एक्साइटमेंट और पॉजिटिविटी के साथ इस चीज़ में आगे बढ़ना है और करना है। आई होप आप लोग को रीडिंग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल बटन गाइस ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग वीडियो जल्दी से देख सकें। थैंक यू सो मच।